नमस्कार दोस्तों, ये सोयाबीन के दाने हैं। ये प्रोटीन से भरपूर हैं। कोई भी दाल हो, चावल हो, अनाज हो, मूंग हो, इसमें इतना प्रोटीन नहीं होता जितना सोयाबीन के दानों में होता है। इसमें फैट तो होता ही है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सोयाबीन के दाने स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होते हैं और प्रोटीन तो इसमें कूट कूट के भरा होता है। आज हम बनाएंगे इन्हीं सोयाबीन के दानों से बहुत ही कुछ खास रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सोयाबीन के दानों से। यहाँ पे मैंने एक कटोरी सोयाबीन लिया है। ये सोयाबीन के दाने हैं, इनको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था। इनको एक दो पानी से धोने के बाद में भिगोना है, इनमें मिट्टी लगी भी रहती है। उसके बाद में हम इसे धो देंगे। भीगने के बाद में ये ऐसे फूल जाते हैं। फूलने के कारण इनके दाने बिल्कुल दुगने या बड़े हो गए हैं। अब हम इसे कुकर में डालकर सीटी लेंगे। कुकर में डाल दिया है, कुकर में पानी इसके ऊपर आना चाहिए। हमें इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसमें 3-4 सीटी ही लेनी है, ज़्यादा नहीं गलाना है इसे। इस तरह से कुकर के अंदर 3-4 सीटी लेके मैंने इसको उबाल लिया है। ये पूरी तरह से कुक भी नहीं हुए हैं, हल्के से हुए हैं, ये देखिए। अब हम इसका छौंक तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पे एक फ्राई पैन लेंगे, फ्राई पैन में तेल डालेंगे। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ, ये 2 चम्मच तेल है, बड़े चम्मच। तेल के अच्छे गर्म हो जाने के बाद में हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरे को भून लेंगे, इसमें कुछ कड़ी पत्ते डाल दिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैंने एक प्याज दिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है, वो डाल के इसको भुनेंगे। प्याज का कलर चेंज हो जाएगा जब तक हमें इसे भुनना है। 2 मिनट के बाद में प्याज थोड़ा सा भुन गया है। अब हम एक हरी मिर्ची डाल रहे हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अदरक का पेस्ट, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक मीडियम साइज का प्याज, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो डालेंगे और प्याज डालने के बाद में भी भून लेंगे। सोयाबीन हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें प्रोटीन अच्छा मात्रा में होता है और ये फाइबर से युक्त होती है, इसलिए हमें सोयाबीन खाना चाहिए। सोयाबीन किसी न किसी रूप में खाते रहना चाहिए, चाट बना के, सब्जी बना के। स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इन मसालों को डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डालने से मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा। और उनके ऊपर ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे, जब तक कि ये तेल नहीं छोड़ दे। 2-3 मिनट के बाद में हम ढक्कन खोल के हिलाएंगे और देखेंगे तो चारों ओर तेल छूट गया है। अब हम इसके अंदर सोयाबीन डाल देंगे। सोयाबीन डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे सोयाबीन और मसाले एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से लग जाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको और अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, जिसको मैंने क्रश कर लिया है, और इसको ढक के थोड़ी सी देर और पकाएंगे। अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे। मैं यहाँ पे मैंने इसको बीच बीच में चलाती भी रही हूँ, इसे कुल 15-20 मिनट लग गए हैं। हमने 90% तो
कुकर के अंदर इसे बॉईल करा था, अब 10% हमने यहाँ पे कढ़ाई में बॉईल करा है। ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया जब हमने डाला था उससे, और अब में कितना चेंज आ गया है। अब हम इसके अंदर लास्ट में अमचूर पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया और थोड़े से कच्चे प्याज, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। इन सबको डालने के बाद में हम इसे मिला लेंगे। अगर आप अमचूर नहीं खाते हो तो यहाँ पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितनी स्वादिष्ट बनी है, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी और ये फ़ायदा भी बहुत देती है। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।